सब्सक्राइब करन्तु एजुकेशन एम्पायर चैनल को बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। आज प्रथम अपडेट आरंभ करिबा विद्यालय रे संगरोध केन्द्र प्रस्तुत सह नियम कड़ाकड़ी करने को निर्देश। पुणी 237 संक्रमित 2 मृत संक्रमित 39 जन शिशु। करोनार नूतन भूताणु चिह्नट जो तृतीय लहर आशंका देखाई है दृष्टि रखी करोना कटकणा कड़ाकड़ी करने को विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्ष निर्देश दीजिए। पूर्वभली षष्ठ द्वादश श्रेणी गृह शिक्षादान चलो कहते विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास। तो बड़ अपडेट देखिए परवर्त अपडेट। गोटे बड़ अपडेट रही शिक्षार्थी मानक करोना संक्रमण को नहीं ढेंकानाल 33 शिक्षार्थी करोना संक्रमित चिह्नट शिक्षानुष्ठान सिल शिक्षानुष्ठान परिचालना परिषद कर्तृपक्ष नाँ मामला रुजु हो। ओडिशा जूनियर टीचर आस्पिरेंट्स आसोसिएशन तरफ निजर ट्विटर हैंडल गोटे मेसेज जारी कर सब क्षेत्र को अग्राधिकार दिया बेले प्राथमिक शिक्षा को ये अणदेखा कौन पाई तो सरकार विरुद्ध ये मेसेज टी जारी कराई। कनिष्ठ शिक्षक आशा संघ बारंबार आसी धारणा देखा बेल को सरकार एम आखि बंद करदे कौन पाई शिक्षा ही समाज सुधार मुख्य माध्यम समाज में संस्कार आने कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति दि तो ये रही गोटे बड़ मेसेज देखा परवर्त अपडेट। जीए डिपार्टमेंट रु नोटिफिकेशन डेट रही 27 अक्टोबर 2021 नोटिफिकेशन नंबर रही 28,621 तो नोटिफिकेशन टी रही इनिशियल अपॉइंट मानकर दरमा वृद्धि को नहीं जो मानकर 50% दरमा वृद्धि कराई तो से नहीं यही लेटर टी जारी कराई तो ये देखते रही रेमुनरेशन स्लैब फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो यही जीए डिपार्टमेंट लेटर टी डीएससी तरफ फरार कराई मेमो नंबर रही 32,074 डेटेड 1/2021 कॉपी फॉरवर्डेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन कॉपी फॉरवर्डेड टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ दिस डायरेक्टरेट फॉर इनफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। टी एंड एसीआरटी रु लेटर नंबर रही 6,646 डेटेड रही 1/2021 लेटर टी कर टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स सब्जेक्ट रही ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ एनटीएस एग्जामिनेशन 2021-22 एंड सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी थेरऑफ। एनटीएस एग्जामिनेशन 2021-22 रो एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप एवं हार्ड कॉपी को सबमिट करने लेटर टी जारी कराई तो देखा शेड्यूल देखते रही ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज एट द रेस्पेक्टिव स्कूल्स बाय द स्टूडेंट्स छात्र छात्री मानक द्वारा फॉर्म फिलअप और हार्ड कॉपी सबमिट करा जिबो 3/12/21 आरंभ हो लास्ट डेट रही 18/12/21 सबमिशन ऑफ काउंटर साइंड हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय द हेडमास्टर्स और हेडमिस्ट्रेस टू द डीओज कंसर्न्ड तो हेडमास्टर मानक द्वारा काउंटर साइन पर हार्ड कॉपी सबमिट करा जिबो डीओ ऑफिस रे 20/12/21 सुधा वैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय द डीओ डीओ द्वारा कार्य सर 23/12/21 डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड कैंडिडेट मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 1/1/2022 रु 16/1/2022 एवं डेट ऑफ एग्जामिनेशन रही परीक्षा हे 16/1/2022 रविवार। ओसे पार लेटर नंबर रही 11,432 डेटेड रही 29/11/21 लेटर टी कर समस्त डीओ और डीपीसी को सब्जेक्ट रही रूटीन एंड डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स और लेसन्स फॉर यूट्यूब लाइव क्लासेस फॉर द मंथ ऑफ डिसेंबर तो डिसेंबर मास पई यूट्यूब लाइव क्लास रूटीन आसी जाइछि एवं डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन मध्य आसी जाइछि तो देखंतु ये रही से रिगार्डिंग लेटर तो देखंतु एठारे गोटे बड़ कथा रही 3 क्लास रु अष्टम क्लास पर्यंत यूट्यूब लाइव क्लास एक्सेप्ट 4 चतुर्थ क्लास यूट्यूब लाइव क्लास नहीं डिसेंबर मासरे द रूटीन मे बी सर्कुलेटेड टू स्कूल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स द टीचर्स इंटरेस्टेड टू टेक लाइव क्लासेस आर टू फॉलो द रूटीन स्ट्रिक्टली तो पूर्वर आमर 1-2 क्लास समस्त लेसन सरी जाइए तो से यूट्यूब लाइव क्लास 1-2 क्लास नाला वर्तमान 4 क्लास डिसेंबर मास बंद र 4 क्लास कौन यूट्यूब क्लास नहीं। एनबी देखा कौन रही द रिड्यूस्ड सिलेबस 70% ऑफ क्लास 4 इज कंप्लीटेड बाय 30/11/21 तो 30/11/21 बा नवंबर 30 सुधा आमर क्लास 4 समस्त पाठ्यक्रम शेष हो जाए तो से क्लास 4 यूट्यूब लाइव क्लास आसीबो नहीं फॉर क्लास 3, 5, 6, 7, and 8 विल बी कंप्लीटेड तो 3 क्लास सरिबो 3 डिसेंबर रे 5 क्लास सर 10 डिसेंबर 6 क्लास शेष हे 14 डिसेंबर
सप्तम क्लास शेष हम 22 डिसेम्बर और अष्टम क्लास शेष हम 10 डिसेम्बर 2021 रे। तो यही क्लास गुड़िकर समस्त पाठ्यक्रम यही तारीख में शेष होगा। जदि कौन छात्र छात्री चाहिए पूर्व लेसन गुड़िक देखापी तो सर्च कर यूट्यूब सर्च कर छात्र छात्री मैंने देखिपर। हाउएवर द टेलीकास्टिंग ऑफ वीडियो लेसन्स अंडर शिक्षा दर्पण प्रोग्राम विल बी कंटिन्यूड इन डीडी ओडिया चैनल टिल फर्दर ऑर्डर। एवं आमर जो शिक्षा दर्पण प्रोग्राम रही डीडी ओडिया चैनल रे प्रसारित हे। तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट ये रही सप्तम क्लास डिसेम्बर मास पे स्कीम ऑफ लेसन देखु देखा परवर्त अपडेट। डीओ कोरापुट ऑफिस ऑर्डर ऑर्डर नंबर होची 7393 डेटेड होची 30/11/2021। देखो ऑर्डर टी रही जड़े एलिमेंटरी टीचर टीचरों पर कोटपाड़ ब्लॉक ट्रांसफर हो सारी बोरीगुमा ब्लॉक को टीचरों ना रही सुचित्रा भत्ता नो टीएडीए शाल बी अलाउड फॉर द पर्पोज आज द ट्रांसफर हाव बीन मेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जिजेंसी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन। ये रही जड़े टीचर ना ये भी जड़े टीचर रही अनुपमा राउत सी कोटपाड़ ब्लॉक ट्रांसफर होती सेमिलीगुड़ा ब्लॉक। तो बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट। डीओ संबलपुर ऑफिस ऑर्डर ऑर्डर नंबर रही 13795 डेटेड रही 26/11/2021। ऑर्डर टी रही संबलपुर जिले में कार्यरत लेवल 5 असिस्टेंट टीचर मानी जो मानकर म्यूचुअल बेसीस ट्रांसफर विभिन्न जिला को। तो ये रही टीचर मानकर ना 11 जन टीचर ट्रांसफर अन्य डिस्ट्रिक्ट को। एस एंड एम डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर रही 23105 डेटेड रही 30/11/2021। नोटिफिकेशन टी रही द फॉलोइंग बीओज और एचएम्स आर हियर बाय ट्रांसपोर्ट एंड पोस्टेड एट प्लेसेस मेंशनड अगेंस्ट इच। तो बीओ एवं एचएम मानक ट्रांसफर कराई तो से रिगार्डिंग यही नोटिफिकेशन टी जारी कराई। देखो टोटाल 20 जन बीओ एवं एचएम मानक आमर ट्रांसफर कराई। हाउएवर इफ एनी ट्रांसफरी इज एनगेज्ड एट बीएलओ और इनवल्व इन समरी रिविजन इलेक्ट्रल रोल 2022 मे नॉट बी रिलीव्ड टिल द स्टिपुलेटेड पीरियड इज ओवर। जदि कौन एचएम बीएलओ दायित्व अच्छा समरी रिविजन इलेक्ट्रल रोल अच्छा रिलीव करना। पुनर्बार से ही एस एंड एम डिपार्टमेंट रू नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर रही 23109 डेटेड रही 30/11/2021। तो नोटिफिकेशन टी रही द फॉलोइंग एबीओज आर हियर बाय प्रमोटेड। तो एबीओ मानक प्रमोशन दि जाएगी बीओ भाव में देखो तीन जन को प्रमोशन दि जाएगी जो मैंने बीओ को प्रमोटेड होती आडहक बेसीस बीओ भाव में प्रमोशन दि जाएगी। हाउएवर से सेम थिंग रही जदि कौन एबीओ पीएलओ दायित्व बा इलेक्शन दायित्व अच्छा तो रिलीव करना। ऑफिस ऑर्डर टी रही डीओ झारसुगुड़ ऑर्डर नंबर रही 6506 डेटेड रही 22/11/2021। तो ऑर्डर टी रही एलिमेंटरी टीचर मानी जो मैंने डेपुटेशन अन्य स्कूल कार्यरत अच्छा से मानकर डेपुटेशन टी कैंसल कर दी केवल कलेक्टर कम चेयरमैन ऑफ डीएलटीसी झारसुगुड़ा जदि आप्रूव करते डेपुटेशन को बाद दे अन्य समस्त टीचर मानक डेपुटेशन कैंसल कर दी। तो देखो ये रही दुईट प्रोफोमा प्रोफोमा वन रही एलिमेंटरी लिस्ट ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स हेडमास्टर्स वर्किंग अंडर डिप्लॉयमेंट इन स्कूल्स आज ऑन डेटेड 22/11/2021। प्रोफोमा टू टी रही देखो लिस्ट ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स और हेडमास्टर्स कंटिन्यूइंग अंडर डिप्लॉयमेंट इन स्कूल्स आफ्टर डेटेड 22/11/2021। तो यह फिलअप कर बीओ आम सबमिट करेंगे देखा परवर्त अपडेट। डीओ कोरापुट लेटर लेटर नंबर रही 7055 डेटेड रही 30/11/2021। लेटर टी कर कोरापुट जिलार समस्त बीओ को सब्जेक्ट रही स्पन्सरिंग ऑफ नेम्स ऑफ एलिमेंटरी टीचर्स फॉर इंट्रा ब्लॉक ट्रांसफर। तो ब्लॉक भितर जो एलिमेंटरी टीचर मानक ट्रांसफर हो से ही टीचर मानक लिस्ट जारी कराई। तो देखो टोटाल 106 टीचर आम ट्रांसफर कराई ब्लॉक भितर देखो ये रही टीचर मान लिस्ट लिस्ट ऑफ टीचर्स स्पन्सर्ड फॉर इंट्रा ब्लॉक ट्रांसफर ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो ब्लॉक भितर आम 106 टीचर को विभिन्न स्कूल को ट्रांसफर कराई। बड़ अपडेट देखा परवर्त अपडेट।
ଅଫିସର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ। ଅର୍ଡ଼ର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 2592, ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 26/1/2021। ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଆମର ବିଏଲ୍ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ବିଏଲ୍ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନିଜର ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଏଲ୍ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଲ୍ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍। ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ରହିଛି ଡିଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ, ଅର୍ଡ଼ର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 6562, ଡେଟେଡ଼୍ ରହିଛି 24/1/2021। ଅର୍ଡ଼ର୍ଟି ରହିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାବଦରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲିଷ୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 80 ଜଣ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍। ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲେଟର୍, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 23,232, ଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ହେଉଛି 1/12/2021। ଲେଟର୍ଟି କରାଯାଇଛି ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦି ଇୟର୍ 2021। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ରହିଛି ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 13,034, ଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ 20/7/2021। ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 22,399, ଡେଟେଡ଼୍ 20/11/2021। ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 22,473, ଡେଟେଡ଼୍ 22/11/2021। ଅନ୍ ଦ ଆଫୋର୍ସେଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଡିରେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଟେକ୍ ନେସେସରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଅର୍ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁଡ଼୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 22,167, ଡେଟେଡ଼୍ 4/10/2018 ବାଇ 10/12/2021 ପଜିଟିଭ୍ଲି। ତ 10/12/2021 ସୁଦ୍ଧା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଲେଟର୍, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 4,518, ଡେଟେଡ଼୍ ରହିଛି 1/12/2021। ଲେଟର୍ଟି କରାଯାଇଛି ଟୁ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓସେପା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 6 and 7 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟର୍ଟିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 10,951, ଡେଟେଡ଼୍ 17/11/2021 ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓସେପା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଇଏ ରହିଛି ଫର୍ମାଟ୍ 1, ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କନ୍ସଲିଡେଟେଡ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 6 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ 22 ବ୍ଲକ୍ର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଇ ଗୋଟେ ରହିଛି ଫର୍ମାଟ୍ 2ରେ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କନ୍ସଲିଡେଟେଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ବେସ୍ଲାଇନ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 6 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଇ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଫର୍ମାଟ୍ 3 ରହିଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର, ଇଏ ବି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ରହିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଆମ ଚାରି କାମ
अंतिम अपडेट रही गोटे बड़ अपडेट चाकरी सर्तावली धार्य रुजु जनस्वार्थ मामला ग्रहणीय नुहे कटक विभिन्न पदपदवी पूरण बाहर निजुक्ति विज्ञप्ति में चाकरी सर्तावली कौन रही रुजु मामला ग्रहणीय नुहे विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल और पॉलिटेक्निक AICTE नियम आधार में अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्यापक निजुक्ति दिया लगे अदालत राज्य सरकार को निर्देश देवा लगे रुजु मामला को खारज करने अवसर में हाइकोर्ट यह कहते गिरिधर गणों मृत्यु पर स्त्री बासंती गणों पक्षर रुजु मामलें राय प्रकाश करने अवसर में मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलधर और विचारपति जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को नहीं गठित खंडपीठ यह निर्देश देते आवेदनकारिणी स्वामी जलसंपद विभाग में जन इंजीनियर भाव कार्य कर 1995 अवसर ग्रहण करते सेठार अवसर पर से ही मामला रुजु करते प्रार्थना थी AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नियम 2010 आधार में विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल और पॉलिटेक्निक अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्यापक पदवी खोला चयन आधार में करसबू इंजीनियरिंग स्कूल शिक्षार मान में वृद्धि पाई AICTE 2010 नियम योग्यता और नियमावली को लागू कराऊ यह सब स्कूल निजुक्ति पाई वरिष्ठ अध्यापक विभाग मुख्य उपाध्यक्ष आदि शिक्षागत योग्यता कौन रही से सब से AICTE नियम आधार में जांच कराऊ कटक और भुवनेश्वर विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल बड़ बड़ पदपदवी थिबा जो कर्तृपक्ष माने इतिमध्यरे चाकिरे 6 वर्ष पूरण कर सारी सेमानंकु केबीके जिला पठाजिबा एवं सही अंचल थिबा अध्यक्ष अध्यापक जो माने 6 वर्ष पूरण कर सारी सेमानंकु कटक भुवनेश्वर को बदली करबा लागि अदालत नियम देबाकु से प्रार्थना करथिले हाइकोर्ट एही मामला ग्रहणीय नहि बोली मत देबा सहित आवेदनकारी पिटीशन को खारज करछन्ति तनिष्ठाबरे गोटे बड़ अपडेट एठादर अपडेट गुडी को समाप्त होइछि धन्यवाद।